अज्ञाति मिराध ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मील ये नौ तस्में श्रीगुरव नम शा ये नम नमस्कार मित्रों आज हम संस्कृत वर्णमाला परिचय में संस्कृत के व्याकरण संदर्भित नियमों को संस्कृत वर्णमाला को हम जानेंगे जैसा कि संस्कृतमे कः गयाः कस्यचिद् भाषायाः प्राणतत्वं तस्य वर्णमाला भवति भाषायाः प्रथमस्वरूपं तस्याः वर्णेषु एव दृश्यते यतोहि वर्णे एव पदानां निर्माणं तथा पदे एव वाक्यानां निर्माणं सम्भवति भाषाया वाक्यमेवं प्रमुखता भवति ग्रंथमध्ये विचाराणाम् आदानं प्रदानं च भवति संस्कृत भाषा वैदिकी इति भेदेन द्विधा वैदिक संस्कृत प्रयोग तत्र प्राप्य त्राय पंचष्टिवर्ण प्रयोग जाता किंतु लौकिक संस्कृते ष्शत अभवत्। प्रयोग अभवं लौकिक संस्कृतस्य संदर्भे एवं वर्ण जानस वर्णेषु स्वरवर्णानां प्रमुखं स्थानम् स्थानमस्ति एतेः क्वचित् स्वरः क्वचित् व्यञ्जनः ह्रस्वदीर्घमात्रारूपेण कार्यं कुर्वन्ति स्वरवर्णानां संयोगः एव व्यञ्जनवर्णानां महत्त्वं भवति यतो कस्यचित् व्यञ्जनवर्णस्य पूर्णम् उच्चारणं स्वरवर्णस्य संयोगेन एव भवति क्योंकि जो वर्ण हैं उन वर्णों में जो स्वर वर्णों की प्रमुख स्थान है ये कहीं पर स्वयं और कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ मात्राओं के रूप में कार्य करते हैं जो स्वर वर्ण हैं उन, उन स्वर वर्णों के संयोग से ही जो व्यंजन वर्णों का महत्व है अर्थात किसी भी व्यंजन वर्ण का पूर्ण उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों की जो उत्पत्ति है वह भगवान शिव के द्वारा जब उनके तांडव नृत्य किया गया तब चौदह माहेश्वर जो सूत्र थे उनकी उत्पत्ति हुई उसमें उत्पत्ति से पूर्व एक श्लोक आता है नत्तावसाने नटराज ननाद ढक्का नव बारम उद्धर तुका तद विमर शिव सूत्र अर्थात इन चौदह सूत्रों के द्वारा यानी नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचबार पंच बार नौ पंच बारम यानी नौ पाँच चौदह यानी चौदह माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से यानी उन चौदह माहेश्वर सूत्र में कौन कौन से हैं आई ऐण रिल ओंग एच हई वरट लण यम गणनम झभ गढ़ दस जब गढ़ दस ख छ त च ट त व कपाय स स सर हल संस्कृत व्याकरण में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह अष्टाध्यायी है यानी उस अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह महर्षि पाणिनी थे पाणिनी की जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी को कात्यायन ने उस पर वार्तिक लिखी और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पाणिनि की अष्टाध्याय में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा इसीलिए संस्कृत व्याकरण जगत में इन तीनों ऋषियों को यानी महर्षि पाणिनि का जो कार्यकाल जो काल है वह 500 सौ ईसा पूर्व था और महर्षि कात्यायन का तीन सौ पचास ईसा पूर्व और जो पतंजलि हैं उनका जो कार्यकाल था वह 150 सौ ईसा पूर्व यानी इन तीनों मुनित्रय जो है व्याकरण जगत में सुप्रसिद्ध अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध रहे संस्कृति अधिकतर जो सुप्रसिद्ध रचनाएं पद्यमय हैं अर्थात छंदबद्ध और गेय हैं इसलिए यह समझ लेना आवश्यक है कि इन रचनाओं को पढ़ने या बोलते वक्त जिन अक्षरों या वर्णों पर ज़्यादा भार देना है यानी किन पर कम भार देना है उच्चारण की इस न्यूनता को मात्रा द्वारा हम दर्शाते हैं अब जिन वर्णों पर कम भार दिया जाए यानी उन्हें ह्रस्व कहते हैं ह्रस्व माने छोटा यानी स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा का समय लगे तो वह ह्रस्व होता है जैसे अ ई उ लि और उसी प्रकार जिन वर्णों में दो मात्रा यानी दो मात्रा का समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ कहते हैं जैसे आ ई उ री इत्यादि यानी प्लुत वर्ण वो हैं जिन वर्णों में यानी अति दीर्घ होते हैं यानी उनकी मात्रा यानी तीन स्वर का समय जिसमें लगता है उसे हम प्लुत वर्ण कहते हैं संस्कृत वर्णमाला में जो संस्कृत वर्ण हैं उन्हें दो प्रकार से बांटा गया है एक है स्वर जिन्हें हम अच कहते हैं यानी अच स्वर स्वराजंते इति स्वराहा यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं यानी स्वर जो हैं वह कितने हैं त्रिधा हैं ह्रस्व स्वरा दीर्घ स्वर पलुत यानी ह्रस्व दीर्घ और पुलुत ये तीन स्वर हैं ह्रस्व स्वर जैसे अ ई उ, री रि दीर्घ स्वर कौन से हैं आ इ, उ, री ए आ, आ, इ, ओ, आ। इस प्रकार से जो स्वर हैं वह कितने हैं तेरह हैं अगर हम बात करें कि व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण जिन्हें हम हल भी कहते हैं यानी स्वरानु स्वरानुगमते इति ही व्यंजना जिनका उच्चारण स्वरों के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं उस व्यंजन को हम तीन भागों से यानी तीन रूप में विभक्त करके हम उसे समझ सकते हैं जैसे स्पर्श वर्णा अंतस्थ वर्णा ऊष्ण वर्णा यानी जो स्पर्श वर्ण हैं वह कौन से हैं कादे माँ वसा नाम स्पर्श यानी कौ से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं वह क्या हैं स्पर्श वर्ण हैं यानी क ख ग ध फ ब भ म ये हमारे स्पर्श वर्ण हैं अब अंतस्थ की अगर बात करें अंतस्थ ऐसे वर्ण जो उत्पत्ति में जो स्वर और जो हैं उनके बीच में रहते हैं यानी यो ये वर्ण है वह क्या है अंतस्थ वर्ण है और अंतस्थ के बाद आया उष्ण वर्ण उष्ण माने स स वर्णों को हम उष्ण वर्ण कहते हैं अब एक आते हैं संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त वर्ण उन्हें कहते हैं संस्कृत भाषाया बहव एकतादृशा वर्ण अभी सी यूँ निर्माण उच्चारण चयुक्तूपेण निर्माण स्वर व्यंजन वर्णो हो संयोगेन होती अर्थात जो संस्कृत है उस संस्कृत में कई वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त होते हैं और वह उच्चारित होते हैं इनका जो निर्माण व्यंजन वर्णों एवं स्वर वर्णों के संयोग से ही होता है अब जैसे जो संयुक्त वर्ण हैं वो इस प्रकार हैं जैसे स त्र ज्ञ ये जो है संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं यानी जो संयुक्त वर्ण हैं वह इस प्रकार हैं अब जो संस्कृत व्याकरण है उस संस्कृत व्याकरण में हमारे जो उच्चारण स्थान हैं उनको इस प्रकार से समझा जा सकता है यानी कहा गया है कि अकुह विसर्जिया नाम कंठ यानी जो कंठ से बोले जाने वाले जो शब्द हैं वह कौन कौन से हैं क घ और विसर्ग वर्ण और अ और आ इतने वर्ण जो है कंठ से उच्चारित होते हैं इसी प्रकार इचूसा नाम तालु यानी तालु से जो उच्चारित होने वाले शब्द हैं वह च यानी इतने वर्ण जो है यह तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है ऋतुरसाणाम मूर्धा यानी मूर्धा से जो उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वह हैं ता, डा, अनो, रा, सा, और री ऋतुरसाण दंता यानी दंत से जो शब्द का उच्चारण होता है वह हैं त थ द ध न लि और उपबद्मा नाम ओष्ठ यानी ओष्ठ से जो उच्चारित होने वाले शब्द हैं वह हैं प फ उ।, उ। यम गणना नाम नासिका यानी नासिका से जो शब्दों का उच्चारण होता है वह है युस्वार और ए ते दो कंठतालु यानी कंठ तालु से जो शब्द बोले जाते हैं वह हैं ए और ऐ औ दो तो कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से जो शब्द बोले जाते हैं वह हैं ओ और औ दंतोष्ठम यानी दंत और ओष्ठ की सहायता से जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं वह वर्ण है व जिह्वामूलीय जिह्वा मूलम यानी जिह्वा मूलीय के भाग से जो बोले जाते वाले शब्द हैं वह क ख नासिकायाम अनुस्वार यानी जो अनुस्वार है वह उसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है नासिका है यानी व्याकरण के जो महान विद्वान पारणी ने वर्ण रचना को अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से की है क्योंकि जिससे उन्होंने सभी जो वर्ण हैं उन वर्णों को मुख से उद्घाटन और बंद होने की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार ही संयोजन किया है जिसको उच्चारण स्थान के नाम से हम जानते हैं यह पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है इसी प्रकार जो हम बात करें संस्कृत साहित्य में जो जेहुआ मूली जेहुआ मूली जो के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं क ख यानी इनका जो उच्चारण जब जीव के मूल भाग से किया जाता है यानी जो जीव जिहुआ है उस जेहुआ के मूल स्थान से इनका उच्चारण किया जाता है यानी और उपबदमानी वह शब्द हैं जिनके अंतर्गत प फ वर्ण आते हैं जब इन वर्णों का उच्चारण से पहले जो अर्ध विसर्ग है यानी जैसा उच्चारण किया जाता है उन दोनों वर्णों को हम उपदमानीय कहते हैं यानी जिहवा मूलीय और जो उपपद उपबमानीय जो वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण नुक्ता यानी नुक्ता के समान हम करते हैं यानी संस्कृत जो भाषा है यानी संस्कृत भाषा यहाँ इं महति विशिष्टता अस्ति ही यत अस्माक यथा लिख्यते तदेव पठ्यते यदा च पठ्यते तथा उच्चार्यते अभी अस्या विशेषताया मूले संस्कृत भाषाया वर्णमाला विद्यते इं वर्णमाला अत्यंत वैज्ञानिकी व्यवहारिकी अस्ति संस्कृत वर्णमाला विद्यमानस्य एकस्य अपि वर्णस्य उच्चारणं अस्य मुखस्य विविध्यह अवस्येभ भवति यथा क वर्णस्य कंठस्थानात् तथा च वर्णस्य तालुस्थानात् ओ वर्णस्य ओष्ठस्थानात् तथा ए वर्णस्य कंठोष्ठस्थानात् भवति इयं वैज्ञानिकं वर्गीकरणं अत्यन्तं कस्यापि भाषाया नास्ति अतः संस्कृतभाषाया शिक्षणस्य प्रथमं सोपानं वर्णमाला ज्ञानम अस्त वर्णमाला या ज्ञानन शुद्धोच्चारणेन अभ्यासन च भाषा परिपुष्टा भवति। यानी जब हम संस्कृत साहित्य को जानने की बात करते हैं संस्कृत साहित्य को पढ़ने की बात करते हैं उस विधा को जानने की हम बात करते हैं तो हमें जब उस विधा को जानना है उस विधा को जानने से पूर्व हमें सर्वप्रथम उस संस्कृत की उस वर्णमाला को उस वैज्ञानिक वर्णमाला को जानना होगा जिस विधि से आज यह संस्कृत हमारी देवभाषा बनी इसी क्रम को हम आगे आपके समक्ष नए रूप में नए श्रृंखला के रूप में नए अध्याय के रूप में पुनः प्रस्तुत करेंगे तब तक के लिए नमस्कार